वक्त की जालिम हुकूमत शरीयत के कानून को बदल रही है और हमारे नौजवान टिकटॉक पर मुजरा कर रहे हैं। जिस मजहब में औरत के आवाज तक का पर्दा है, उस मजहब की लड़कियां टिकटॉक पर नाच रही हैं। हकीकत में कोई फर्क नहीं है दोनों में, वो कोठे पर नाचती है, तुम टिकटॉक पर नाच रही हो। उसे 10-20 गैर मर्द देखकर मजा लेते हैं और तुम्हें मोबाइल पर 1000 गैर मर्द देखकर मजा ले रहे हैं। उसे नाचने पर पैसे मिलते हैं, तुम्हें नाचने पर लाइक्स मिल रहे हैं। बस यही फर्क है। और एक बात याद रखना, एक नौजवान बेटी ने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा जान मैं बदन के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ दूं? तो अब्बा ने जवाब दिया, बेटी बदन के जितने हिस्से पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो तो उतना हिस्सा खुला छोड़ दो। वाह जी वाह। और यहाँ हालत देखो दोस्तों, टिकटॉक ये कयामत की निशानी में से एक निशानी है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है घर घर में नाच गाना होगा। अफसोस आज वही हो रहा है। बेटियां, बेटे, माँ बाप, भाई बहन सब लगे हैं इस कयामत की निशानी को बढ़ावा देने। अगर अपनी बहन बेटी को टिकटॉक पर मुजरा करते देखकर तुम्हारा दिल खुश होता है तो आप नमाज जनाजा पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारी गैरत मर चुकी है। और दूसरी बात याद रखना, मिट जाती है उस कौम की अहमियत जिसमें बेहयाई आम हो चुकी हो। और जब निकाह डीजे पर पढ़ाए जाएंगे तो नस्लें टिकटॉक पर मुजरा करते हुए ही पैदा होंगी ना। अफसोस तो तब होता है मुझे कि टिकटॉक पे ज्यादा फेमस भी मुस्लिम ही हैं। ना अफसोस है उन्हें अपने काम पे, ना शर्मिंदगी है। गुजर रही है गुनाहों में, ये कैसी जिंदगी है। दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी औरतों को दीनदार बनाओ और दीन की मेहनत में लगाओ, वरना जिस दिन तुम्हारा जनाजा उठेगा उस दिन तुम्हारे घर से तुम्हारे दीन का भी जनाजा उठ जाएगा। और अगर तुमने अपनी औरतों को दीनदार बनाया तो तुम्हारा दीन नस्लों तक जिंदा रहेगा। दोस्तों अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत जिंदा है तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, क्या पता आपके एक शेयर करने पर इस दुनिया में बदलाव आ